हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा आज हम एक्सरसाइज 7.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हो चुके थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? साइन टू द पावर 4x dx। अब आप ध्यान दें, साइन पावर 4x dx को कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा सबसे पहले साइन पावर 4 को आप ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, क्योंकि पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। साइन टू द पावर 4x को हमने क्या लिखा है? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर एंगल का फॉर्मूला होता है 1 cos ट्वाइस ऑफ द एंगल बाय में 2 होल स्क्वायर dx। ओके, साइन स्क्वायर एंगल का फॉर्मूला 1 cos ट्वाइस ऑफ द एंगल बाय में 2 होल स्क्वायर dx। पूरे का होल स्क्वायर है 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये टर्म आ गई 1 cos 2x का होल स्क्वायर dx। ओके, सबसे पहले 4 को लिखा स्क्वायर का स्क्वायर। साइन स्क्वायर एंगल का फॉर्मूला 1 cos ट्वाइस ऑफ द एंगल बाय में 2 होल स्क्वायर dx। 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, और ये लिखा 1 cos 2x का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस बी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। ओके, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। 1/4 एज इट इज, 1 एज इट इज। साइन स्क्वायर एंगल होता है 1 cos ट्वाइस ऑफ द एंगल बाय 2, और cos स्क्वायर ये 2x का एंगल है। cos स्क्वायर एंगल का फॉर्मूला होगा 1 cos ट्वाइस ऑफ द एंगल करेंगे तो 4x आएगा बाय में 2। साइन स्क्वायर एक्स 1 cos ट्वाइस ऑफ द एंगल बाय 2, और cos स्क्वायर एंगल का फॉर्मूला है 1 cos ट्वाइस ऑफ दिस एंगल बाय में 2 माइनस 2 cos 2x होल के आगे आ गया dx। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 1/4 एज इट इज, 1 एज इट इज। टर्म्स को सेपरेट करें, क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x, पूरी स्टेटमेंट के बाहर आ गया dx। ओके, और सॉल्व करें 1/4 एज इट इज, 1 + 1/2 होता है बेटा 3/2, दिस इज 1/2 cos 4x माइनस में 2 cos 2x, पूरी स्टेटमेंट के बाहर आ गया dx। 1/4 एज इट इज, 3/2 कॉन्स्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 कॉन्स्टेंट है, साइन का होता है माइनस cos, लेकिन cos की इंटीग्रेशन होगी बेटा साइन 4x बाय 4। माइनस 2 एज इट इज, साइन का माइनस cos और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? दिस इज साइन 2x बाय में 2 प्लस में c, वेयर c इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। ध्यान रखना साइन का माइनस cos होता है, लेकिन cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x, एंगल का डेरिवेटिव। माइनस 2 एज इट इज है cos एंगल, साइन एंगल और एंगल का डेरिवेटिव, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर है। अब ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। यस बेटा, आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 11, ये बिल्कुल सेम है cos पावर 4 2x, बिल्कुल sin पावर 4x के जैसा है, ये आप ट्राई करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 12, योर स्टेटमेंट इज sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस में cos x dx। कैसे सॉल्व करें? ध्यान दें, आप सभी को ये आइडेंटिटी क्लियर है, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो आप साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं बेटा 1 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 cos x dx। साइन स्क्वायर एक्स को आपने ब्रेक करा 1 cos स्क्वायर एक्स, 1 का मतलब 1 स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, अपॉन 1 cos x, पूरी स्टेटमेंट के बाहर आ गया dx। साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 cos स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन करें 1 का x होता है साइन का माइनस cos, लेकिन cos का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस में c। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। बेटा 13 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करते हैं 13 क्वेश्चन स्टार्ट। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 13 की? आपने इंटीग्रेट करना है बेटा cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करें क्या। अब आप ध्यान दें, ये जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा ओवर cos x माइनस cos अल्फा dx,
सबसे पहले आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कॉस टू एक्स की. कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का वन. तो अप्लाई करें कॉस टू एक्स को, लिखा सबसे पहले टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस कॉस टू अल्फा को क्या लिखोगे, दिस इज टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा डी एक्स. ओके, हमने सिर्फ बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस टू एक्स को लिखा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो हमने कॉस टू एक्स की जगह लिख दिया टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और अगर कॉस टू अल्फा होगा तो क्या लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन. नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, शुरू में ब्रैकेट है साइन चेंज करें, माइनस का टू कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन में लिखा बेटा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स. ये माइनस वन प्लस वन से कैंसल आउट हो गया, न्यूमिनेटर से आपने जैसे ही टू कॉमन लिया तो हमारी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स. ओके, टू कॉन्स्टेंट का बाहर आ गया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू में कॉस एक्स प्लस में कॉस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स. ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये टर्म से कैंसिल आउट होगी टू एज इट इज. बेटा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन प्लस. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, कॉस अल्फा डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही है. ये जो कॉस अल्फा पूरे का पूरा क्या है, कॉन्स्टेंट, वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा प्लस में सी, दिस इज योर आंसर. बेटा ध्यान रखें कॉस का कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो होगा साइन एक्स प्लस. ध्यान दो कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, कॉस अल्फा पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट काउंट होगा और वन का इंटीग्रेशन एक्स लिख के प्लस में सी. ये आपका रिजल्ट आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 के बाद आगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 14 पे. ये भी अच्छा क्वेश्चन है 14, ध्यान दें. क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स. देखो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को वही रहने दो, वन एज इट इज. साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. ओके, साइन टू एक्स को लिखा है टू साइन एक्स कॉस एक्स. अगला स्टेप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन इस वन की जगह क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स. नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू. ए भी किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स. आपको केवल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखने की बात है, चाहे आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एक ही बात है. अगला स्टेप क्या है, अब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करें बेटा. हम पुट करेंगे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स को किसके इक्वल, टी के इक्वल. डिफ्रेंशिएट करो, अगर हम नीचे वाली टर्म को टी पुट करें, देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स. पूरी स्टेटमेंट के बाहर डी एक्स लिख के इक्वल टू डी टी. और स्टेटमेंट पे आ जाओ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखा आपने, डी टी अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को नाम दिया था टी, तो ये बन गया टी का स्क्वायर. टी स्क्वायर ऊपर जाके बना टी की माइनस टू, और टी की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, एक एड उसी से डिवाइड प्लस में सी. यू कैन से माइनस का वन अपॉन टी प्लस सी, नेगेटिव टर्म नीचे जाके पॉजिटिव होगी. और बेटा जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह क्या लिखोगे आप, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस सी. या आंसर उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. यस बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया होगा आपको, 15 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन करना है आपने टेंजेंट क्यूब टू एक्स सीकेंट टू एक्स डी एक्स. ये आपने सॉल्व किया टेंजेंट क्यूब टू एक्स सीकेंट टू एक्स डी एक्स. सबसे पहले 3 को ब्रेक करें किसमें, टेंजेंट स्क्वायर टू एक्स इंटू में टेंजेंट टू एक्स सीकेंट टू एक्स डी एक्स. कुछ नहीं किया, 3 को 2 रेख में ब्रेक कर दिया.
नेक्स्ट है टेन स्केयर को क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन. टेन स्केयर एक्स का फॉर्मूला है सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन. तो टेंजेंट स्केयर एंगल को लिखा सीकेंट स्केयर एंगल माइनस वन. बाकी सारी की सारी टर्म एज इट इज टेंजेंट टू एक्स सीकेंट टू एक्स डी एक्स. ओके अगला स्टेप क्या होगा टेन स्केयर को तो ब्रेक कर दिया हमने सीकेंट स्केयर टू एक्स माइनस वन और बाकी टर्म एज इट इज. अगर हम पुट कर दें सीकेंट टू एक्स को किसके इक्वल टी के इक्वल. बच्चे सीकेंट टू एक्स को टी पुट करो डिफरेंशिएट करो. सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एंगल इंटू में टेंजेंट एंगल इंटू में डेरिवेटिव एंगल का टू एक्स का डी एक्स बराबर डी. ओके सीकेंट टू एक्स को जैसे आपने टी पुट किया और डिफरेंशिएट किया सीकेंट एंगल का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एंगल टेंजेंट एंगल और एंगल का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. नाउ सीकेंट टू एक्स को टी नाम बना के माना टी का स्क्वायर माइनस वन. सीकेंट टू एक्स टेंजेंट टू एक्स की जगह क्या लिखेंगे वन अपॉन में टू डी टी. ओके वन बाय टू एज इट इज टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी डी का क्यूब बाय थ्री. वन का हो गया टी प्लस में सी. वन बाय टू एज इट इज जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या लिखोगे सीकेंट टू एक्स होल क्यूब अपॉन थ्री माइनस टी की जगह सीकेंट टू एक्स प्लस सी. दिस इज योर आंसर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कम्प्लीट होता है. इसी के साथ ही बेटा इन क्वेश्चन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें.